हेलो फ्रेंड्स, तो कंपटीशन 100 में आपका वापस से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी स्टार्ट कर चुके होंगे। 2024 के लिए मैं दो बुक का रिव्यू लेके आया हूँ जो मार्केट में दो अंडररेटेड बुक है, जिसका आप लोगों ने भी नाम जिक्र जरूर सुना होगा, जो हर स्टूडेंट की पसंद होती है। इन दो टीचर का ही नाम आपको पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, SSC के लाइन में आपको इन दोनों के अलावा और कोई टीचर ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। तो आज उन दोनों बुक का ही रिव्यू मैं करने वाला हूँ। तो नाम से आप हिंट से समझ ही गए होंगे कि मैं राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर का बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। दोनों का मैंने अर्थमेटिक एडिशन उठाया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोनों का कवर पेज कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। देख, अर्थमेटिक का एडिशन है और आपको बता देते कि कौन सा एडिशन है। मैंने ये पुराना एडिशन उठाया 2021 की। मार्केट में आपको 2023 की भी एडिशन मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास 2021 की एडिशन थी, इसलिए मैंने 2021 की एडिशन ली, क्योंकि 2021 के एडिशन में आपको कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो जो अभी 2023 के एडिशन में आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सर हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होता है 2021 में पूछने का उनका कैपेबिलिटी था, वो अब 2023 में नहीं हो गया। तो चलिए बिना देरी किए तो मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गगन प्रताप की बुक को दिखाता हूं। ये देख सकते हैं डेडिकेटेड टू अपने सन के लिए किए हुए हैं। विराज इनके सन का नाम है। तो आप इन सबसे क्या ही मतलब है, हमें तो कंटेंट के क्वालिटी को देखना है। सारा देख सकते हैं 24 चैप्टर आपको दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं नंबर सिस्टम LCM SCF, ऐसा आप देख सकते हैं सारा चैप्टर आपको दिया गया है, उसमें पेज नंबर के साथ भी देख सकते हैं। तो अब हम बता देते हैं कि आपको टोटल पेज नंबर कितने को है। बुक का लास्ट पेज नंबर आप देख सकते हैं 770 है। पीछे कुछ कवर पेज ऐसा दिखता है। मार्केट की अगर वैल्यू किया जाए तो आपको जितना फ्लिपकार्ट में अगर देखा जाए तो आपको इसी के रेंज में आपको बुक मिलेगी, लेकिन आप अगर ऑफलाइन मार्केट में खरीदते हैं तो आपको 40% या 45% ऐसे कुछ आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऑफलाइन से ही खरीदना, आप लोगों को थोड़ी सस्ती पड़ेगी। और अगर आप लोग उससे भी सस्ती चाहते हैं तो आप सेकेंड हैंड बुक परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसके कॉन्टेंट क्वालिटी में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर दिखाने वाला हूँ आपको नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले आप देख सकते हैं ये सारा थ्योरी दिया गया। थ्योरी देने के बाद उनमें देखिए फिर क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दिया सर ने, और लगातार सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। मतलब अगर आपने नंबर सिस्टम का जितना भी थ्योरी अगर पढ़ लिया है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करने की आपको कोशिश करूंगा कि आप सारा बुक को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको सारा इसमें इस बुक में ये क्या है कि आपको सारा थ्योरी मिलेगा, उसके बाद फिर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको PYQ आपके मतलब जितने लेटेस्ट भी रहेंगे। अगर आप 2023 का एडिशन खरीदते हैं तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर आप 2021 का एडिशन, इसलिए 2021 तक के जितने भी एग्जाम्स आए हैं उसमें सर ने सारे क्वेश्चंस को डाल दिया है। इसलिए अगर इस बुक को ले लेते हो तो आपको कोई भी PYQ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जैसे किरण पब्लिकेशन या पिनेकल पब्लिकेशन, ऐसी कोई भी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम सेकेंड बुक की तरफ चलते हैं। सेकेंड बुक आपको देखने को मिल रही होगी राकेश यादव सर की। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जा रहा है, क्योंकि 10 साल इनको सर हो गया है। ये टीचिंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा है उन टीचर से, और इनका जो बुक है ये करीबन आपको 2013 से चल रहा है ये बुक। इनका एडिशन शायद ये देख सकते हैं, ये सातवां एडिशन कुछ समथिंग होगा। तो ये बुक का अगर पीछे से देखा जाए तो पीछे से आपका देख सकते हैं ऐसा है। इनका एक चीज और खासियत है कि अगर आप दिल्ली से रहते हो तो आप इनकी ऑफलाइन कोचिंग भी जाके देख सकते हो। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो वो भी कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हो तो करियर व्हील एप्लीकेशन पे आप कर सकते हो। तो चलिए हम बुक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बुक के अंदर क्या है। तो सबसे पहले बुक को अगर हम खोलते हैं तो इनका देख सकते हैं ये सब इंट्रो दिया हुआ है। उसके बाद सर ने एक बारकोड प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन बारकोड में ऐसा प्रोवाइड किया गया कि अगर आपको कुछ समय क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं उसको आप RYP मतलब एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन सर ने कैसे एक्सप्लेन किया है। लेकिन सर ने अभी तक डाला नहीं, इसलिए सर को थोड़ी सी नेगेटिविटी इसमें हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि स्कैन तो जरूर करते हैं लेकिन उनका मिल नहीं पाता है सोल्यूशन। तो सर ने एक चीज गलत की है, तो अगर सर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर प्रोवाइड करिएगा। आप देख सकते हैं सर ने पहले स्टार्ट किया, देख सकते हैं दोनों बुक में क्या खासियत है। सर ने 12 टॉपिक को हाईलाइटेड किया है और उन्होंने 22 टॉपिक को हाईलाइटेड किया था जिसमें DIY सब था। तो सब बुक की क्या होती है स्पेशलिटी की सब अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 12 टॉपिक में आप प्रतिशतता से मतलब परसेंटेज से स्टार्ट किए हैं, तो इसका आप देख सकते हैं पूरा इंट्रो। हम दो चार पेज आपको करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं इनका भी पूरा थ्योरी है। थ्योरी के बाद आपको ये हिंदी माध्यम है, तो आप अगर चाहें
तो आप क्या बोल सकते हैं, आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश माध्यम ले लेना, अगर बायलिंगुअल ले सकते हो तो बायलिंगुअल ले लेना। सर ने दोनों प्रोवाइड अभी किया है, और लेटेस्ट एडिशन लेना, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये पुराना बुक है लेकिन अगर आप पुराना भी अगर आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है लेटेस्ट लेने की, ये भी सफिशियंट है। तो देख सकते हैं पूरा पेज को आप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है इसमें। आपको क्या है कि क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिले हैं इसमें। सर ने जो क्वेश्चंस क्लास में करवाते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस डाले हैं, कोई पीवाईक्यू का इसमें नहीं डाला गया है, लेकिन ये भी सफिशियंट है। अब दोनों बुक को आपको बता देते कि दोनों बुक में हम स्टूडेंटों लोग को कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों बुक तो अच्छी है मार्केट में देखा जाए तो, दोनों बुक ऑल द मोस्ट देखा जाए तो दोनों अच्छी है, लेकिन हम लोगों का कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट हो जाता है क्योंकि कोई एक्स बंदा आता है वो हमें इस बुक की तरफ लेके जाता है, कोई आता है तो वो इस बुक की तरफ लेके जाता है। तो एक्चुअल में हमें कौन सा लेना चाहिए? तो अब दोनों में अगर आप बोला जाए तो दोनों बुक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा चाहिए, मतलब अगर आपको बुक मोटी ना हो, मतलब हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, तो आप ये बुक लीजिएगा। और अगर आप मतलब ज़्यादा PYQ करना चाहते हैं, अगर PYQ के साथ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब ये बुक लीजिए। इन दोनों बुक में सबसे अगर मेरे राय मानोगे तो मैं इस बुक को आपको प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अभी जो भी तीन टॉपर आप देख चुके होंगे, पहला एक मोहित चौधरी आपने देखा होगा, और दूसरा सुचिता पारिक, और तीसरा जो था क्या नाम है इनका, ऋषभ कुमार, ये सारा लोग ने टॉपर जो थे इस बुक से मतलब आए थे, तो इनके टीचर के पढ़ाए हुए ने टॉपर दिए हैं, तो आप इसके तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस कर सकते हैं। इनका जो है थोड़ा सा ओल्ड मेथड हो चुका है जो कि रेलिवेंट नहीं होता है, इनका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे और आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से डाउट भी क्लियर करवाते हैं। तो आप मेरी मानो तो आप इस बुक को प्रेफर करना, और अगर आपके पास दोनों में से कोई भी है अगर ये बुक है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी लेने से, आप उसके से भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो कॉल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोगों ने मेरा दोनों बुक का रिव्यू आप लोगों ने देख लिया होगा, तो दोनों लोगों का बुक में अगर आप लोगों के पास दोनों में से कोई भी एक बुक है तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। मैं दोनों बुक को अच्छी मान रहा हूँ क्योंकि दोनों टीचर अपने आप में ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप किसी से भी पढ़ रहे हो, मैं किसी को भी ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये टीचर अच्छा ज़्यादा अच्छा है पर ये टीचर अच्छा नहीं है, मैं उस बुक को रिव्यू डाल रहा हूँ कंटेंट के वाइज पे। तो कंटेंट के वाइज पे अगर आप लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस सुना होगा तो मैंने गगन प्रताप को कहा था, तो इस हिसाब से आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से लेना। इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो कॉल, अगर आप लोगों को कोई और रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।